credit the giver. वही 500 y अपने books में ये entry करेगा इस transaction की, x अपने books में ये entry करेगा. तो confused नहीं होना, accounting बहुत simple है अगर आप concept समझ जाते हो. अगर concept नहीं समझते तो बिल्कुल ही सारा मैटर जो है वो खत्म हो जाएगा. देखिए मैं आपको अभी, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास हो रही है अकाउंट्स की, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, डेटर्स, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी, डिस्काउंट, कैश, बैड डेट्स, बहुत सारे टर्म्स आएंगे अकाउंट्स में ऐसे, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट क्लास में. पर अभी जो हो रहा है ये मैं आपको अकाउंट्स का बेस बता रही हूँ कि किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है. क्योंकि अगर ये सिस्टमेटिक वे से होगा तो आप अपने अकाउंट्स की बुक जब मर्जी चेक करिए, अपना ट्रांजैक्शन जो आपको चाहिए उसको चेक करो, आपको टाइम वेस्ट करे बिना एकदम एक्यूरेट रिजल्ट निकल के सामने आता है. और अकाउंट्स का सेकेंड, ये तो है आपका पर्सनल अकाउंट. देखिए पर्सनल अकाउंट मैंने आपको पहले ही बताया, एक्स का हो सकता है, राम का हो सकता है, सीता का हो सकता है, किसी कंपनी का पर्सनल अकाउंट हो सकता है. तो ये जो लोग हैं इंडिविजुअल या कंपनी अपना काम शुरू कर रहे हैं या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगी. और पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगी तो आप रूल लगाओगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. आपको ट्रांजैक्शन का नेचर चेक करना है कि पर्सनल अकाउंट में हो रहा है, रियल अकाउंट में हो रहा है या नॉमिनल अकाउंट में हो रहा है. अभी मैंने आपको पर्सनल अकाउंट बताया है तो पर्सनल अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आप रूल आपको पता ही है. मैं फिर से बता दूं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. बहुत सिंपल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ आएगा. ये तो हो गया आपका पर्सनल अकाउंट का रूल. ओके, अब आपका आ जाता है पर्सनल अकाउंट में टू टाइप के, वो होता है, एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट पर्सन, एक हो गया आर्टिफिशियल. अभी मैंने आपको बताया नेचुरल ह्यूमन बींग, राम, सीता, मोहन, सोहन, एक्सेट्रा, वट एवर. और आर्टिफिशियल कंपनी, जो ह्यूमन बींग तो है बट आर्टिफिशियल. ओके चलिए, अब आपके पास जो है नेक्स्ट रूल है रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल आपको क्या बताता है? रियल अकाउंट का रूल बोलता है रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू एसेट्स. एसेट्स होती हैं कंपनी की प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी की एसेट्स हैं. ठीक है, और अगर कंपनी अपनी एसेट्स खरीद रही है या बेच रही है, एसेट्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो होंगी रियल अकाउंट में. ओके, अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल कह रहा है, रूल सेकंड, देखिए ये थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है. अगर आपने ये समझ लिए थ्री गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स में आपको एंट्री करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट अगर ये थ्री रूल्स में आप कंफ्यूज हो गए तो आपका बेस ही शुरू से वीक रहेगा. अगर आप ये रूल समझ गए, कौन से, आपको कुछ नहीं करना, ट्रांजैक्शन आपके सामने आई, डेली रूटीन में ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसने खरीदा, उसने बेचा, उसको प्रॉफिट हुआ, उसको लॉस हुआ, डेली ट्रांजैक्शंस हम देख रहे हैं, इन ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है बस. तो अब आपके पास एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आई तो रूल टू वो आएगी रियल अकाउंट में. और रूल टू क्या कहता है? डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट. मतलब कि जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट. परचेजेस, फर्नीचर आ रहा है डेबिट कर दो, कैश जा रहा है क्रेडिट कर दो. आगे बात समझ में, कि जो चीज आई उसको डेबिट कर दो
और जो चीज़ चली गई उसको क्रेडिट कर दो। यहाँ पे आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हो फिर से पर्चे। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि हम इसको रियल अकाउंट में लें या हम इसको पर्सनल अकाउंट में लें। देखो अगर आप इसको रियल में लो वैसे तो ये ट्रांजेक्शन किसकी हो रही है, एक्स एंड वाई की। एडमिन पर्सनल हो गया, पर्सनल तो हो गया, बट ये यहाँ पे सिर्फ गुड्स का नाम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रियल अकाउंट हुआ। गुड्स ये नहीं बताया कि वो गुड्स हैं क्या, फर्नीचर है या कंपनी के एसेट्स हैं क्या, कुछ नहीं बताया, ओनली गुड्स। तो ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट हुआ। हाँ अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि एक्स ने परचेज करी है गुड्स, सॉरी एक्स परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, तो ये क्या हो गया, बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो गई। अब आप इसको इसमें रिकॉर्ड करोगे रियल अकाउंट। तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ट्रांजैक्शन को समझना है, उस ट्रांजैक्शन को आपको रूल पे सेट करना है, खत्म काम, ठीक है। आपको ट्रांजैक्शन को समझना है, ट्रांजैक्शन को समझ के आपको उस रूल पे सेट करना है इन एंट्रीज को। अब आपके पास तीसरा रूल हो गया, अब आपके पास तीसरा रूल हुआ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट देखो ये रिलेटेड होता है कंपनी की इनकम से और कंपनी के खर्चों से, प्रॉफिट से और लॉस से, ये रिलेटेड होता है नॉमिनल अकाउंट, कंपनी के खर्चे प्रॉफिट इनकम एंड लॉस। अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपको पता चल रहा है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, कंपनी को कितना इनकम हो रही है, कितने कंपनी को एक्सपेंडिचर करने पड़ रहे हैं, ट्रांजेक्शन में बताया जा रहा है, तो आपको वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है नॉमिनल अकाउंट के अंडर। और नॉमिनल अकाउंट के अंडर कैसे रिकॉर्ड करोगे, रूल। अकाउंट्स में सबसे अच्छी बात यह है कि हर चीज़ लॉजिकल है, कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं है। आपके पास रूल है, आपको रूल पे सेट करना है, ठीक है। अपना दिमाग आपको बहुत कम लगाना है, अपना दिमाग आपको सिर्फ यहाँ लगाना है कि कौन सी एंट्री है, कौन सी ट्रांजेक्शन है, पर्सनल रियल नॉमिनल। अकाउंट्स में आपको इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट बनेगा अगर ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल शांति से ईजली तरीके से समझ लेते हो। देखो कोई भी फील्ड है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिक, कोई भी फील्ड ले लो आप, कोई भी फील्ड कह रही हूँ मैं, उस फील्ड में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो होंगी ही होंगी। हॉस्पिटल कोई खोलता है, हॉस्पिटल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग से बनता है, ठीक है। होटल कोई खोलता है, वहाँ पे आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी फील्ड ले लो, कोई भी फैन पैसे के बिना तो नहीं ऑपरेट होगा। और जहाँ पे पैसा है वहाँ पे अकाउंट्स है, और जहाँ अकाउंट्स है वहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब है, और जहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब है वहाँ पे अकाउंट्स की ज़रूरत है। तो समझ गए, अकाउंट्स की ज़रूरत हर फील्ड में हर किसी को है। तो आप अगर इन चीज़ों को ढंग से समझोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें ईजिली आपके लिए हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा अकाउंट्स ही है, ये अकाउंट्स का ABC है। अगर यहाँ से आप चलते हो तो बहुत ये चीज़ अगर क्लियर बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आ जाइए नॉमिनल अकाउंट, मैंने आपको बताया ये एक्सपेंसेस से, प्रॉफिट से, लॉस से और इनकम से रिलेटेड है कंपनी के। अब इसका रूल क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर। जितने भी लॉसेस हो रहे हैं या एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उनको डेबिट कर दो, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड द एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। यानी जो इनकम्स हो रही हैं, गेन्स मीन्स जो प्रॉफिट हो रहे हैं, उनको क्रेडिट कर दो। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जितने इनकम्स, जिनकी इनकम्स हो रही हैं और गेन्स हो रहे हैं, उनको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में
इसलिए देखिए कोई भी बिजनेसमैन एक अच्छा अकाउंट्स तभी मेंटेन कर सकता है अगर वो पहले अपने बिजनेस के खर्चे देखे। प्रॉब्लम क्या होती है, हम पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया इनकम देखने स्टार्ट कर देते हैं। नो, आपको पहले एक्सपेंसेस को मान के चलना है कि ये होंगे, जो नहीं भी होने उनको मान के चलना है कि ये होंगे, और इनकम जो श्योर है कि होनी है उनको मान के चलोगे कि ये नहीं होंगी, तब जाके आपका अकाउंट्स का बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो लास्ट में जाके एकदम एक्यूरेट आएगा। क्योंकि कई बार अननेसेसरली खर्चे ऐसे हो जाते हैं जिनको हम सोच के भी नहीं चलते और वो आ जाते हैं और लास्ट में जाके हमारा फाइनेंशियल पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इसी वजह से डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, इसका एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाती हूँ। ओके।